कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में बात कर रही हूँ मैं गुजरात चुनाव को लेकर और साथ ही साथ अखिलेश यादव को लेकर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुजरात चुनाव में अखिलेश यादव का क्या काम, वो तो उत्तर प्रदेश में होंगे, लेकिन यहाँ पर जब कोई नेता किसी पार्टी के खिलाफ होता है तो वो चुनाव यहाँ पर इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो, यहाँ पर सवाल वो ज़रूर उठाता है। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने अब गुजरात चुनावों पर सवाल उठा दिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर चुनावों में जीत होती है बीजेपी की तो साफ तौर पर मान लीजिए कि ईवीएम का घपला ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर हार का सामना करना पड़ता है तो सोच लीजिएगा कि जनता की आंखें खुल गई है। अब ये बात कैसे सामने आई, जब यहाँ पर अखिलेश यादव से पूछा गया कि गुजरात विधानसभा चुनावों में किसकी जीत और किसकी हार होगी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर भाजपा हारती नजर आएगी, भाजपा की हार होगी क्योंकि भाजपा ने पिछले 27 सालों से कोई काम नहीं किया। अब आप एक बात सोचिए कि 27 साल तक कोई सरकार रिपीट हो रही है तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, तो वजह सामने आई कि ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन तो कांग्रेस पार्टी का भी था, उन्होंने पिछले 2017 के चुनावों में 77 सीटें भी जीती थी और उसके बावजूद भी यहाँ पर सत्ता में नहीं आ पाई थी पार्टी। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल अभी भी बने हुए हैं, उलझने अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने कर दिए। उन्होंने एक बात तो ये कह दी कि गुजरात चुनाव यहाँ पर भाजपा हारती नजर आएगी और साथ ही साथ अपने यूपी के चुनावों के लेकर भी कह दिया कि यहाँ पर भी भाजपा भारी बहुमत से हारती नजर आएगी, यानी कि मैनपुरी की सीट हो गई, रामपुर की सीट हो गई, खतौली की सीट हो गई, तीनों की तीनों सीट यहाँ पर और भानुप्रतापगढ़ की सीट हो गई, ये सारी जगहों की सीट यहाँ पर अखिलेश यादव के खेमे में आती नजर आएगी, इस तरीके की बात कही जा रही है। आपको पता हो तो हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई दी जिसमें शिवपाल सिंह यादव को लेकर बात की थी कि पहले उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई, उनके बंगले को खाड़ फेंकने की बात की गई, खाली करवाने की बात की गई, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हराने की कोशिश की जाती है, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब जनता की आगे खुल रही है, जनता जानती है कि यहाँ पर भाजपा को अब नहीं जीतने देना है, इस तरीके की बातें लगातार अखिलेश यादव ने कही। लेकिन अभी भी लोगों के मन में सवाल है कि गुजरात चुनाव में अब तो तिगड़ी देखने को मिल रही है, आखिरकार कौन सी पार्टी की जीत और कौन सी पार्टी की हार होगी, कहीं गठबंधन की बात हो रही है तो कहीं पर अकेले ही आगे बढ़ने की बात की जा रही है। तो सवाल सीधा ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं सेनमारी करते हुए नजर आते ही है, लेकिन क्या गुजरात में अगली बार जो उपचुनाव होंगे या चुनाव होंगे या जो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा सत्ता में, क्या उस पर भी कुछ ना कुछ एक फैसला लेते नजर आएंगे। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।